audio jungle. अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने जेपी मेमोरियल अस्पताल कोहड़िया का किया उद्घाटन। समारोह में आगे उन्होंने कहा कि शैक्षिक जनजागरण गांव के किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के लिए सुदूर अंचल में खुला शिक्षण संस्थान मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति संस्थान के द्वारा जो योगदान किया जा रहा है, यह निश्चय ही लोगों के लिए लाभदायक है। इस मौके पर संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ओपी सिंह ने महंत जी को अंगवस्त्र से सम्मानित किया। इससे पूर्व महंत नरेंद्र गिरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदना स्तुति से किया और अपने आशीर्वाचन संबोधन में कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना में चिकित्सकों की भूमिका धरती के भगवान की तरह थी। पिछड़े क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की सेवा में जेपी मेमोरियल अस्पताल का योगदान सराहनीय था। खर्च भर के लिए न्यूनतम शुल्क में क्षेत्र की जनता को अधिकतम सुविधा प्रदान करना प्रशंसनीय है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद बाबू झा ने किया। अंत में आयोजक और संचालक डॉक्टर ओपी सिंह आगंतुकों को धन्यवाद दिया। महंत नरेंद्र गिरी का स्वागत करते हुए जेपी मेमोरियल के डायरेक्टर और डॉक्टर ओपी सिंह ने कहा कि यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि देश के जानी मानी हस्ती धर्म सम्राट श्री गिरी जी शैक्षिक और स्वास्थ्य के प्रति जिस तरह की सोच रखते हैं, आज जेपी मेमोरियल कॉलेज में आकर उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए हम और हमारे पूरे विद्यालय परिवार और चिकित्सा परिवार की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। प्रमुख रूप से डॉ ओपी सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर वीके मिश्रा, ब्रजेश त्रिपाठी, द्वारिका सिंह सहित क्षेत्र के अन्य कई गणमान्य लोग और समाज सेवी उपस्थित रहे।